छत पर एक छोटा सा कमरा, बाहर बरामदे में रसोई। यह है दिव्या तंवर का घर, IAS दिव्या तंवर का घर। पिछले साल UPSC में अपने पहले ही प्रयास में IPS बनने वाली और इस बार दूसरे प्रयास में IAS बनने वाली दिव्या तंवर गूगल ट्रेंड 2022 में सबसे ज्यादा सर्च की गई। हरियाणा के महेंद्रगढ़ से आने वाली दिव्या तंवर आज जो कुछ भी है अपनी माँ की वजह से। दिव्या जब 8 साल की थी तब उन्होंने अपने पिता को खो दिया। पिता से जुड़ी आज उनके पास कोई भी याद नहीं है। घर में उनका एक भाई और एक बहन है। माँ ने बड़ी गरीबी में दिव्या को पढ़ाया लिखाया, ऐसी गरीबी कि आसपास के लोग कहते हैं कि भगवान ऐसी गरीबी किसी को न दिखाए। माँ बबीता तंवर दूसरों के कपड़े सिलती थी, समय मिलता तो दूसरों के खेतों में मजदूरी भी करती। 10-10 रुपए जोड़कर बेटी को आज इस काबिल बनाया कि हरियाणा क्या, पूरे देश में दिव्या तंवर के नाम का डंका बज रहा है। दोस्तों, यूं तो लाखों उम्मीदवार हर साल UPSC परीक्षा देते हैं और उसमें सफल होकर मेरिट लिस्ट में जगह बनाते हैं। यूथ आइकन ऑफ इंडिया भी समय समय पर आपको ऐसी कई कहानियां सुनाता रहा है, लेकिन आज की कहानी ऐसी है जिसे सुनकर आंखों में आंसू आ जाएंगे और आप ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि वाकई अगर कुछ कर गुजरने का जज्बा हो तो दुनिया की कोई ताकत नहीं जो आपको आगे बढ़ने से रोक दे। दिव्या के पास कुछ भी नहीं था सिवाय जुनून के, जिसके बलबूते उन्होंने UPSC जैसी मुश्किल परीक्षा पास की। नहीं तो अगर संसाधन मायने रखता तो वो कभी इस मुकाम पर नहीं पहुंच पाती। दोस्तों, दिव्या तंवर ने अपनी जिंदगी का सबसे मुश्किल इम्तिहान जरूर पास किया, लेकिन UPSC से भी मुश्किल इम्तिहान वो हर दिन दे रही थी। माँ पढ़ी लिखी नहीं थी, वो ये भी नहीं समझती थी कि दिव्या किस चीज की तैयारी कर रही है। माँ को बस इतना सुकून था कि बेटी पढ़ रही है, इसलिए वो हर दिन मजदूरी करने जाती। 10-10 रुपए के लिए गांव की महिलाओं की साड़ियों में फॉल लगाती। आसपास के लोग दिव्या की माँ की मेहनत देख आह भरते। दिव्या के भाई साहिल और बहन तनिषा जानते थे कि बहन दिव्या IAS की तैयारी कर रही है, सो वो कमरे में जब भी अपनी बहन को घंटों घंटों पढ़ते देखते तो बाहर खुले आकाश के नीचे चुपचाप बरामदे में आ जाते। घर के कामों से दिव्या को दूर रखते, कहते दीदी तुम बस पढ़ो। दिव्या भी अपनी माँ को दिमाग में रखकर हर दिन अपनी मेहनत में जुट जाती। दोस्तों, दिव्या की प्राथमिक शिक्षा गांव के मनु स्कूल से पूरी हुई जो निम्बी में था। उसके बाद उन्होंने एंट्रेंस पास करके नवोदय स्कूल में अपनी आगे की पढ़ाई के लिए दाखिला लिया। गवर्नमेंट PG कॉलेज से उन्होंने BSc में स्नातक किया। दोस्तों, स्नातक के दौरान ही उन्होंने UPSC की तैयारी शुरू कर दी थी। दिव्या बताती हैं कि UPSC करने का विचार उन्हें नवोदय विद्यालय में पढ़ने के दौरान आया। एक बार उनके स्कूल में SDM साहब आए, उनकी बातें और उनका रुतबा और सम्मान देखकर उन्होंने उसी दिन ठान लिया कि उन्हें IAS ही बनना है और ऐसी ही इज्जत उन्हें भी चाहिए। आपको जानकर हैरानी होगी कि दिव्या ने स्नातक पास करते ही अपने पहले ही प्रयास में 438 रैंक लाकर IPS का पद प्राप्त किया और ऐसा करने वाली वो सबसे कम उम्र की कैंडिडेट थी। आपको जानकर हैरानी होगी कि 2021 बैच की IPS दिव्या तंवर की सफलता के पीछे किसी कोचिंग का हाथ नहीं रहा। उन्होंने शुरू से ही सेल्फ स्टडी पर फोकस किया। जब उन्हें लगा कि उनकी तैयारी को जांचने वाला भी कोई होना चाहिए तो उन्होंने ऑनलाइन UPSC टेस्ट सीरीज ज्वाइन की, दृष्टि IAS के मेंटरशिप प्रोग्राम में हिस्सा भी लिया जिससे उन्हें काफी मदद मिली। उनके उत्तर लिखने के तरीके में काफी सुधार हुआ। हालांकि कोचिंग के लिए पैसे इकट्ठा करना दिव्या के लिए बहुत बड़ी चुनौती थी। स्कूलिंग के दौरान ही हार्ट अटैक से पिता की मौत हो चुकी थी। माँ बबीता तंवर इतनी पढ़ी लिखी थी नहीं, घर में ऐसे हालात थे कि दो वक्त का खाना जुटाने की भी चुनौती थी, लेकिन माँ के जज्बे को सलाम कहिए अपने तीनों बच्चों दिव्या, तनिषा या साहिल का मुंह देखकर वो हर दिन हिम्मत जुटाती और लग जाती। दिव्या तंवर भी माँ की मजबूरी समझती थी। घर में जरूरी संसाधनों का अभाव था, लेकिन उन्होंने कभी शिकायत नहीं की बल्कि खुद अपनी तरफ से अपनी माँ का भार कितना कम कर सकती हैं इस पर ध्यान दिया। सो उन्होंने भी 12वीं पास करते ही बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया, पास के ही स्कूल में कुछ साल पढ़ाया भी। इन्हीं पैसों को महीनों जोड़कर दिव्या ने अपनी किताबों इंटरनेट के लिए कुछ पैसे जुटाए, YouTube से पढ़ाई में मदद ली, बाहरी दुनिया से कट कर 10-10 घंटे चुपचाप अपने छोटे से कमरे में जिसमें ना AC था ना कूलर UPSC के लिए तपस्या की। लेकिन जानते हैं, दिव्या के कई दोस्तों व रिश्तेदारों को सालों से ये पता नहीं चला कि वे इस छोटे से बंद कमरे में UPSC परीक्षा की तैयारी कर रही थी। घर में जब अचानक मीडिया वालों का तांता लगा देखा, तब आसपास के पड़ोसियों को समझ आया कि अच्छा तो इस गरीब माँ की बिटिया देखो अफसर बन गई।
आज सफलता के इस उच्चतम शिखर पर पहुंचकर दिव्या मानती हैं कि यूपीएससी पास करने में किस्मत से ज्यादा रोल मेहनत का होता है। यदि किसी ने ठान लिया कि यह करना है तो वह मेहनत के दम पर हासिल कर ही लेता है। दिव्या अपनी सफलता का सारा क्रेडिट अपनी माँ को देती है, जिन्होंने अपनी बेटी का हाथ हमेशा थामे रखा, कभी पिता की कमी महसूस नहीं होने दी। दिव्या चाहती तो आईपीएस का पद पाकर संतुष्ट हो सकती थी, लेकिन उन्होंने एक बार फिर से यूपीएससी 2022 की परीक्षा दी। ये उनका दूसरा प्रयास था और इस प्रयास में उन्होंने फिर से 105वीं रैंक लाकर आईएएस का पद प्राप्त किया। दोस्तों, किसी ने क्या खूब कहा है, हजार बर्क गिरे लाख आंधियां उठे, वो फूल खिल के रहेंगे जो खिलने वाले हैं। आपको आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया है तो इसे जितना हो सके शेयर कीजिए।